हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्पोकन इंग्लिश। माय नेम इज जमील और आज के इस वीडियो में मैं आपको ओनली 25 ऐसे स्पोकन सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो हम और आप अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि यही तो वो सेंटेंसेस थे जो मुझसे नहीं बनते थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से हैं वे सेंटेंसेस। हमारा पहला सेंटेंस है, वह ठीक तुम्हारे पीछे है, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज राइट बिहाइंड यू। और हमारा अगला सेंटेंस है, क्या आप मुझ पर एक मेहरबानी करेंगे, वुड यू डू मी अ फेवर। और हमारा अगला सेंटेंस है, वह अदृश्य है, इसका मतलब वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज इनविजिबल, He is invisible। हमारे बड़े अक्सर ये कहा करते हैं, पहले काबिल बनो फिर इच्छा करो, और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे First deserve then desire, First deserve then desire। Next one is, तुम मेरे काबिल नहीं हो, You don't deserve me, You don't deserve me। रविवार की रात वह मर गया, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, he passed away on Sunday night, और he died on Sunday night, और इसमें से he passed away एक फॉर्मल और अच्छा तरीका है। और हमारा अगला सेंटेंस है, अमिताभ बच्चन की नकल मत करो, don't imitate अमिताभ बच्चन, और इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं don't mimicry अमिताभ बच्चन। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, द लीव्स फॉल ऑफ द ट्री, द लीव्स फॉल ऑफ द ट्री। और जब हमें कोई हंसाता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते क्या हैं, मुझे हंसाओ मत, और इसकी इंग्लिश होगी डोंट मेक मी लाफ, डोंट मेक मी लाफ। अगर आपको कहना हो उसने मुझे हंसाया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही मेड मी लाफ, He made me laugh। अगर आपको कहना हो उसने मुझे हंसने पर मजबूर किया, He compelled me to laugh, He compelled me to laugh। और हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने पेट भर के खाया, मैंने पेट भर के खाया, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे I ate with my satisfaction, I ate with my satisfaction। Our next sentence is, उसका घर बन रहा है, His house is under construction। चलती हुई ट्रेन से मत कूदो, और इसकी इंग्लिश होगी Don't jump from the running train, Don't jump from the running train। नेक्स्ट वन इज, आप भाव क्यों खा रहे हैं, और इसकी इंग्लिश होगी Why are you showing off, Why are you showing off। Our next sentence is, आज की लड़कियां बहुत भाव खाती है, टूडेज गर्ल्स शो ऑफ अलाउट, टूडेज गर्ल्स शो ऑफ अलाउट। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, डकैतों ने उस व्यापारी को दिन दहाड़े लूट लिया, रॉबर्स रॉब द मर्चेंट ब्रॉड डे लाइट। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू ट्रैप मी, He is trying to trap me। Next one is, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, I am feeling suffocation, I am feeling suffocation। बोलते हैं ना आप लोग बक बक मत करो, और इसकी इंग्लिश होगी Don't talk nonsense, Don't talk nonsense। मुझे सॉरी से नफरत है, I hate sorry, I hate sorry। तुम अपनी कमीज अभी उतारो, take off your shirt right now, take off your shirt right now। Our next sentence is, तुम अपनी बेटी का कान क्यों छिदवाते हो, तुम अपनी बेटी का कान क्यों छिदवाते हो।
Why do you pierce your daughter's ears? Why do you pierce your daughter's ears? Our next sentence is, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? Why there is pin drop silence in this village? Why there is pin drop silence in this village? Our next sentence is, मैं तुम्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. मैं तुम्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. I thank you from bottom of my heart. I thank you from bottom of my heart. उसकी कमीज पसीना से भींग गया. His shirt wet with sweat. His shirt wet with sweat. Last but not the least, मैं इस प्रश्न का हल जानता हूँ. I know the answer to this question. I know the answer to this question. तो फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंस को यूज करके आप अपनी स्पोकन को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं. मुझे उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा. सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.